अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारे छोटे से स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के अजीम साइंसदान। माफ कीजिएगा, आज हमारे बड़े से स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क के अदना सियासतदान। मैं यहाँ मेहमान और अब मुझे गाली दी जा रही। मैंने दिल में माँ बहन की गाली दी है सर। और ये जो ऊंची आवाज में बोला अदना, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ सर। आप अदना नहीं, आप तो आला हैं, आला दर्जे के हैं, बल्कि आला तरीन दर्जे के हैं सर। घामर। और थैंक यू, मेरे बाजी भी मुझे यही कहते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सियासतदान बनने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? पनामा, ड्रामा और बहुत सा ड्रामा। और ये भी बहुत जरूरी है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन अजीज रिश्तेदारों के नाम पे हो, ताकि जब नैब वाले पकड़े तो ये कह सकें कि ये सब तो अब्बा जी का दिया हुआ है। आप पर ये इल्जाम है सर, आपके दुश्मनों की तरफ से, कि आपके असासे आपकी आमदन से ज्यादा है। झूठ है, जब मैं वजीर आजम था तो मेरे रिश्तेदारों की आमदन 400 अरब महाना थी। हमारे मुल्क के सारे फालूदे वाले आपके रिश्तेदार हैं। ये वतन मेरा है और इसके वसाइल भी मेरे हैं। और मसाइल सर? वो वाम खुद हल कर लेगी। आपकी एक प्रॉपर्टी के बहुत चर्चे हैं और उसका रकबा 30,000 किनाल है। वो जमीन मैंने खुद 1 रुपए पर किनाल पर खरीदी। किस जमाने में सर? यही कोई 100-200 साल पहले। आपसे मुल्क तो चला नहीं, लेकिन आपका कारोबार खूब चला सर। आवाम को भी ये राज बता दे। इसके लिए बहुत खास लोगों की गोद में बैठकर खेलना पड़ता है। कब तक? जब तक वो चाहे। और उसके बाद? इसके बाद कमीज ठीक करके किसी को पता नहीं चलने देना कि हमारे साथ हुआ क्या है। सर, बहुत गहरी बातें कर रहे हैं आप। तो आपको इस हुकूमत से क्या शिकायत है सर? कि ये हमें हुकूमत ही नहीं करने दे रहे। ये हुकूमत इलेक्ट होकर आई है। ये हुकूमत इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट होकर आई है। किसने सिलेक्ट किए? अब्बू से पूछ कर बताऊंगा। आप कभी सिलेक्ट नहीं हुए? 3 बार हुआ, मगर अब बस मौत हो चुका। अब अवाम की मर्जी की हुकूमत बननी चाहिए। और अब अगर अवाम ने किसी और को इलेक्ट कर लिया तो हम सिलेक्टर्स के तलवे चाटेंगे जैसे हर बार चाटते हैं। तो आखिर आपकी ये हिर्स कब खत्म होगी? मैं जो कर रहा हूं अपनी नवासी के पोतों के लिए कर रहा हूं। नवासी के पोते? हाँ, मेरी नवासी के पोतों का भी तो दिल चाहेगा कि वो भी वजीर आजम बने। मैं रहूं ना रहूं, हुकूमत मेरे खानदान में रहनी चाहिए। अब आखिर में आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? इसका क्या मतलब? आवाम को चाहिए इसे पकड़ने की कोशिश करें, मुल्क की फिक्र हम पे छोड़ दें।
नहायत बदबूदार स्टूडियो में से नहायत शराबोर एंकर को इजाजत दीजिए अपने मुल्क की ऐसे हिफाजत कीजिए जैसे ये लोग अपनी दौलत की करते हैं। शब्बा खैर, मैं भी इसे पकड़ता हूं, देखता हूं होता क्या है। ये भी पकड़े, ये भी पकड़े, ये भी पकड़े, ये भी पकड़े। Thank you.